सो एवरीवन, कैसे हो सब? जैसे कि गाइस, आज हम बनाने वाले हैं 1 पाउंड का केक। एंड गाइस, इस केक को लेयर लगाने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा क्रीम से रब कर लिया है ताकि गाइस जब हम आइसिंग करें नीचे का कोई भी केक ऊपर ना आए। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, इस बटर पेपर से मैंने अपना क्रीम को पाइपिंग पे पैक कर लिया। अभी गाइस, इसको कटिंग करने के बाद हम इस केक को आइसिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, ऊपर की ओर में कुछ इस तरीके से क्रीम को ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस एक स्केल से कुछ इस तरीके से हम इस केक के ऊपर बस प्लेन कर देंगे। जैसे कि गाइस मेरा आइसिंग हो गया है। अब गाइस साइड की ओर जहाँ पे एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, मेरा आइसिंग कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, आप अगर बिगिनर हो तो गाइस आपके लिए ये बहुत स्पेशल ट्रिक है। तो गाइस अभी हम इस केक को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए गाइस मैंने व्हाइट क्रीम लिया है एंड ये वाला नोजल। सो गाइस इसी नोजल से हम डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस क्रीम के ऊपर मैंने कुछ पिंक कलर इस तरीके से ऐड कर दिया। अभी गाइस ड्यूअल कलर से साइड की ओर कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, मैं इस ड्रॉप पाइपिंग से मैं कुछ इस तरीके से साइड की ओर डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे कि गाइस आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले एक लाइन दिया है, इसकी एंड साइड पे मैं और एक लाइन खींचूँगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से मैं साइड की ओर बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस ऊपर की ओर मैं कुछ इस तरीके से एक ड्रॉप दे दूंगा ताकि गाइस इसके ऊपर मैं फ्लावर ड्रॉप कर सकूं। एंड गाइस उस केक के अंदर मैं रेड जेल यूज़ करूँगा। हालाँकि मुझे ये पहले करना चाहिए था लेकिन गाइस मैं भूल गया था, तो मैं अभी कर देता हूँ। आप चाहो तो कोई भी जेल यूज़ ना करो तो भी चलेगा। मैं अपने हिसाब से जेल को यूज़ कर दिया, बोर्ड पर उठा दिया। अभी गाइस इसके नीचे की ओर इसी पाइपिंग से छोटा छोटा करके ड्रॉप कर देते हैं ताकि इसका फिनिशिंग जो है पूरा कवर हो जाए। अभी गाइस हम फ्लावर बनाएंगे। 44 फ्लावर नोजल लिए हैं एंड वाइट क्रीम। इसमें गाइस अगेन पिंक कलर लिक्विड में कुछ इस तरीके से ऐड कर लूँगा जैसे मैं अक्सर करता हूँ। एंड गाइस पाइपिंग पे भरने के बाद अब ध्यान से देखना मैं कैसे फ्लावर बना रहा हूँ। एंड गाइस ये जो मैं फ्लावर बना रहा हूँ, इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको प्रॉपर स्टैंड को घुमाना आना चाहिए। अभी गाइस आप ध्यान से देखना, मैं धीरे से आपको दिखा रहा हूँ। पहले कुछ इस तरीके से देखे, मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर बना लेता हूँ। तो गाइस मैं इसी तरीके से जहाँ पे ऊपर मैंने एक ड्रॉप किया हुआ है, पूरे ड्रॉप पे मैं फ्लावर बना लूँगा। जैसे कि ये अगर आप फ्लावर बनाना चाहते हो तो गाइस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा, ताकि गाइस आपको फ्लावर का जो स्टैंड है उसको प्रॉपर घुमाना आना चाहिए बस दर से। तो गाइस आप ये फ्लावर बना सकते हो। एंड गाइस नोजल पकड़ने की तरीका जो है वो भी आप देख सकते हो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो गाइस आप अगेन देख सकते हो इस वाले पार्ट को, ताकि गाइस आप आसानी से समझ पाओ। एंड गाइस अभी हम पत्ता बनाएंगे। जैसे कि व्हाइट क्रीम लिया है, इसमें येलो एंड ब्लू कलर मिला करके पाइपिंग में पैक कर लेंगे। अभी गाइस कुछ इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। जैसे कि गाइस आप ध्यान से देखना, तो गाइस कटिंग कर दिया। अभी गाइस फ्लावर के बीचों बीच मैं कुछ इस तरीके से पत्ता बना दूंगा। जैसे कि गाइस आप अगर बड़ा करके कटिंग करते हो तो गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक प्रेशर करना है। ये जो पत्ता का शेप है ये ऑटोमेटिक बन जाता है। तो गाइस इसी के चलते मेरा इस वाले 1 पाउंड केक बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। सो गाइस कॉमेंट करके अपना राय ज़रूर बोलना। ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा? आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हो या नहीं? या गाइस आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करना।